अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मरियम फारूक एंड दिस इज सरीना मरियम फारूक फ्रॉम कश्मीर। आज मैं आपको बताऊंगी अपने घर में स्किन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली विटामिन सी सीरम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे बाग के किशमिश बाग की ऑरेंजेस हैं, छोटे छोटे आपके सामने, और ये मैंने चीज़ें आपके सामने रखी। ये ऑरेंज पील्स हैं जो हमने उतार के रखे हैं। ये हमारे पास विटामिन ई ऑयल है, ये हमारे पास एलोवेरा जेल है, और ये ग्लिसरीन है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इसमें से मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके ये थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है कि मैंने पीस के, ठीक है। ये मैंने ऑरेंज पील्स इसमें डाले थे, इसके अंदर से हम ये अपनी जो जेस्ट है ये निकाल लेंगे। दो से तीन किनुओं का इस टाइप की पेस्ट से ये इसकी बना के तो रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। मेरे पास मेरा अपना रोज़ वाटर अवेलेबल है तो मैं यही डालूंगी, ठीक है। ये हम इसके अंदर तकरीबन 3-4 टेबलस्पून, ठीक है। ये अच्छी तरह ये इस टाइप की चीज़ बन जाती है। ये देखें आप, ये ऑरेंज सा सा कलर हो जाता है, ये हल्की सी वाटरी होती है। इसके अंदर से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये ऐसे करके आपने इसका जूस निकाल लिया। ये थोड़ी सी आ गई है एलोवेरा जेल, मैं अंदाजन डालूंगी ये 1-2 चम्मच, ठीक है। वैसे आपको ये करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी हर चीज़ में ना ये अपनी जेल्स वगैरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ें डाली होती हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने एलोवेरा जेल, जो आप अपने प्लांट से भी निकाल सकते हैं, यानी बस या आप अपने प्लांट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये ऐड करूंगी थोड़ी सी, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, ठीक हो गया। इसको ऐसे मिक्स कर दिया। और जिन खवातीन का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो हल्की सी इसमें सिर्फ एक टीस्पून आप इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपकी सीरम, होममेड सीरम बन गई। आप इसको यूँ अपनी एक शीशे की बोतल में या किसी भी कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हैं, या आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, 2-4 दिन यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतनी लाइट होती है और इतनी मज़े की होती है कि ये फ़ौरन आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है, ये देखें, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं और एक नेचुरली आपके चेहरे पर शाइन आती है। अब ये मेरा हाथ जो है इस पर नहीं है, और इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको सुबह शाम लगाना है, एंड इट स्मेल्स लवली, क्योंकि ऑरेंजेस की स्मेल होती है इसमें। नहीं, ये आप बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा, जब खवातीन आप दिन के टाइम लगा रही होती हैं इस प्रोडक्ट को, तो आप सनब्लॉक लगाएं, ठीक है। और जब आपने अपने छोटे बच्चों पे लगाना है तो कोशिश करें, व्हेन यू सन बेदिंग देम, तो तब नहीं ये लगाते हैं, शाम के टाइम आप लगा सकती हैं। और कोशिश करें 2-3 महीने का बच्चा हो तो उसके ऊपर लगाएं, उससे छोटे बच्चे को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेबीज़ अपने कलर्स चेंज कर रहे होते हैं। आप मेरे इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपने स्किन के बारे में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।